नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट 12-13 तारीख को आना था, लेकिन अब जो नई अपडेट निकल कर आ रही है, सूत्रों की माने तो 15 मई के दिन 12 बजे के बाद दोपहर में जी हाँ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ज़्यादातर रिजल्ट दोपहर 1 बजे तक जारी हो जाता है, यानी 15 मई तक जी हाँ आप सभी लोग अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं mahareesult.nic.in पर। बता दें महाराष्ट्र में 12वीं के एग्ज़ाम में लगभग 14.5 लाख बच्चों ने जो है इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से करीब 6.5 लाख लड़कियां हैं और 7.5 लाख के करीब जो है यहां पर लड़के बताए जा रहे हैं, और कुछ बच्चे पिछले साल के भी रिपीटर हैं। तो यहां पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर होगा। CBSE बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट देखें तो 93% रहे, जो पिछले साल से 1% कम रहा। और अगर यही रिजल्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में भी 94% या 93% रहा तो लगभग 1.25 लाख तक करीब बच्चे जो है 12वीं कक्षा में फेल होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर डर जरूर है, क्योंकि रिजल्ट है, बोर्ड एग्जाम है, और इसके बाद बच्चे कॉलेज में जाएंगे, जूनियर कॉलेज से जो है कॉलेज में जाएंगे, डिग्री कॉलेज में, और इसीलिए बच्चे बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। काफी बच्चे भयभीत भी है, कुछ लोगों को लग रहा है कि कुछ नंबर्स की वजह से वो फेल हो सकते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आप टेंशन ना लें, रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है। तो आज के लिए इतना ही।